हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी अप्लाई। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम था आज, वो कैंसिल हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, मैं बताऊंगा आपको यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल क्यों हो गया और पहले पेपर कहाँ लीक हुआ। तो इससे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट्स की। तो जो नया एग्ज़ाम डेट है यूपी टेट का, वो एक महीने बाद का होने वाला है। एक महीने तक एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, तो जिन बच्चों की तैयारी रह गई थी वो उनको टाइम मिला है और तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यह कह सकते हैं कि ये बोर्ड की नाकामी रही है, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और सही ढंग से मैनेज नहीं हो पाया और पेपर लीक हो गया। सो जो पहला पेपर लीक हुआ था, वो लीक हुआ है गाज़ियाबाद से, यूपी के गाज़ियाबाद ज़िले से एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है। तो उस वजह से यूपी टेट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है और यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जाएगा। और मेरा ये मानना है कि 28 को, यानी कि 28 को है सुपर टेट का, तो सुपर टेट के बाद ही एग्ज़ाम हो पाएगा। तो और अभी बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, पेंडिंग में चल रहे हैं, यूपीएसआई का एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी पॉसिबल तो नहीं है कि बहुत जल्दी हो पाएगा। तो जिनकी तैयारी रह गई थी उनको टाइम मिल गया तैयारी करने का, और जिन्होंने तैयार किया है वो काफ़ी भावुक हुए हैं इस न्यूज़ को लेकर। ये चीज़ बहुत गंदी हुई है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी इसको हम किसकी नाकामी कहें, क्या कहें, बट अभी ये है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और न्यू एग्ज़ाम डेट जो है वो आफ्टर 1 मंथ के होने वाले हैं, उससे पहले नहीं होगा। तो अब आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।